Hi guys, I hope you all are doing good today. I'm Dipanshi Sethi and in this video we are going to discuss about section 5 of Transfer of Property Act 1882. So guys, section 5 baat karta hai transfer of property ki definition ki. To hum isko Bayer Act ki language se padhte hain and then we'll make you understand that what does it mean basically. So it says in the following section transfer of property mean an act. To yahan pe jo word use hua hai act, ye bolta hai ki jo bhi transfer ho raha hai. If that is by act of party, in that case only that will be governed as per TPA. अगर कोई भी ऐसा transfer हो रहा है property का जिसके अंदर act of parties involved नहीं है, जहाँ पर दो persons की कोई activity involved नहीं है, वो transfer as per transfer of property governed नहीं होगा. Example के लिए आप ले सकते हो succession. Succession में क्या होता है कि वहाँ पर एक person की death होती है और property automatically transfer हो जाती है उसकी legal heir को. तो यहाँ पर कोई भी act of parties involved नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ operation of law से property transfer हो जाती है. तो जब succession के through property transfer होती है, तो that will be governed as per succession act but not as per transfer of property. उसके बाद ये बोलता है by which a living person conveys property. तो यहाँ पर जो word use हुआ है living person, living person से यहाँ पे मतलब है there should be two persons always. कि एक ट्रांसफर होना ट्रांसफरर होना चाहिए, एक ट्रांसफरी होना चाहिए. और जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो लिविंग पर्सन्स के अंदर यहाँ पर इंक्लूड होता है लिविंग पर्सन भी और नॉन लिविंग पर्सन भी. मतलब एक प्रॉपर्टी जो है नॉन लिविंग पर्सन कौन हो गए, जो कि कंपनी हो गई या फिर एसोसिएशन ऑफ बॉडी हो गई. तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में भी बात करता है कि प्रॉपर्टी एक लिविंग पर्सन के साथ भी ट्रांसफर की जा सकती है और एक नॉन लिविंग पर्सन को भी ट्रांसफर की जा सकती है. बट इसके अंदर एक और क्लॉज है कि अगर कोई भी कंपनी ट्रांसफर हो रही है तो कंपनी एज पर कंपनी लॉ ही ट्रांसफर होगी, नॉट एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. जो भी उसके अंदर प्रोविजंस हैं उसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ओवर रूल नहीं करेगा. ठीक है, उसके बाद लिविंग पर्सन के बाद वर्ड आता है कन्वेस. तो कन्वेस का मतलब होता है जब आप प्रॉपर्टी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर करते हो. मतलब जब एक पर्सन के कंप्लीट राइट खत्म हो जाते हैं और दूसरे पर्सन के राइट स्टार्ट होते हैं, तब होता है कन्वे. इस कन्वे का मतलब बेसिकली ये होता है. तो ये बोलता है कि जब भी आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, आपको एक कंप्लीट ट्रांसफर करना है. आप उसके अंदर कोई क्लॉज नहीं लगा सकते कि आप इस पर्सन को प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते या उस पर्सन को इस खरीदने के बाद प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते या आप इस प्रॉपर्टी के अंदर ये करोगे और ये नहीं करोगे. आप ऐसे कोई क्लॉज नहीं लगा सकते. जब आप कंप्लीट ट्रांसफर करोगे, जब कोई पर्सन एब्सोल्यूट ऑनर होता है, तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है. उसके बाद कन्वेंस के बाद यहाँ पे वर्ड है कन्वेंस प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर. तो जब हम बात करते हैं इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, ये बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो प्रेजेंट में भी ट्रांसफर की जा सकती है और एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी डन इन फ्यूचर एज वेल. अब प्रेजेंट में तो बहुत ऑब्वियस है कि आज हमने रजिस्ट्री साइन, आज हमने एक रजिस्ट्रेशन डीड साइन करी और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी. ठीक है, बट फ्यूचर में कैसे होगी? सपोज ए ने अपने सन को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी सी को, उसकी वाइफ थी बी. तो यहाँ पर ए ने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी सी को, उसके अंदर बी का एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया कि टिल द टाइम शी इज अलाइव शी विल यूज द प्रॉपर्टी, शी विल लिव इन दैट प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी से जितनी भी इनकम जनरेट होगी वो सब बी की होगी. तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आइडली तो ट्रांसफर हो गई सी को, लेकिन बी जब तक जिंदा है तब तक उसका पोजेशन बी के पास है, उसके पास सारे राइट्स जो हैं वो बी के पास हैं. तो सी को पोजेशन कब मिलेगा? जब बी की डेथ होगी, उसके बाद ही विल बिकम द एब्सोल्यूट ओनर. तो यहाँ पर ए ने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी उसका प्रेजेंट ट्रांसफर हुआ बी को और उसका फ्यूचर ट्रांसफर हुआ सी के पास. ठीक है, और यहां पर एक और चीज भी है कि इसमें लिखा है कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर. तो प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ वो ही ट्रांसफर की जा सकती है जो कि एट प्रेजेंट है. मतलब
जो कि प्रेजेंटली आपके पास प्रॉपर्टी है, आप उसी को ट्रांसफर कर सकते हो। जो प्रॉपर्टी इन फ्यूचर बिल्ड होगी आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसकी एक जजमेंट भी थी, उसके अंदर ये मेंशन किया गया था कि जो वर्ड प्रेजेंट और फ्यूचर है दैट विल बी रीड विद वर्ड कन्वे, क्योंकि आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर प्रेजेंट और फ्यूचर में कर सकते हो, बट प्रॉपर्टी जो है दैट शुड बी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। इसकी जो जजमेंट है आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली राइट नाउ, आई विल मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां से देख लेना। उसके बाद इट सेज टू वन और मोर अदर लिविंग पर्संस और टू हिमसेल्फ। तो यहां पर वन और मोर लिविंग पर्सन, ये तो हमने पढ़ लिया कि दो पर्सन के बीच में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, बट यहाँ पे ये बात करता है और टू हिमसेल्फ। अब खुद को हमने बोला कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती क्योंकि देयर शुड बी टू पर्सन, बट यहाँ पर जब हिमसेल्फ की बात आती है तो दैट्स अबाउट डिफरेंट कैपेसिटी। जब एक पर्सन डिफरेंट कैपेसिटी में होगा तो वो उसको ट्रांसफर कर सकता है। अब एग्जाम्पल ले सकते हो आप कि एक पर्सन है वो इंडिविजुअल ओनर है एक प्रॉपर्टी का, ठीक है, अलोंग विद दैट वो एक कंपनी का डायरेक्टर भी है, या फिर आप ले सकते हो कि वो किसी ट्रस्ट का ट्रस्टी भी है, ठीक है। तो वो खुद को नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल बट बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी खुद को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। मतलब एक इंडिविजुअल जो है वो खुद को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, वो खुद को नहीं कर रहा, बेसिकली वो कंपनी के डायरेक्टर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इन दैट केस वो हिमसेल्फ यूज किया गया है, बट हिमसेल्फ तभी होगा जब पर्सन डिफरेंट कैपेसिटी में होगा, ठीक है। उसके बाद इट सेज एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन एंड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज टू परफॉर्म सच एक्ट। तो यहाँ पर सेक्शन 5 ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हुआ ना। इसको हम एक बार थोड़ा समराइज कर देती हूँ मैं। तो बेसिकली ये बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो बिटवीन टू लिविंग पर्सन होना चाहिए, वहां पर एक्ट ऑफ पार्टी होना चाहिए। ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है तो दैट विल बी नॉट गवर्न एज पर टीपीए। लिविंग पर्सन के बीच में होना चाहिए जिसके बीच में जिसमें कंपनी भी इंक्लूड होती है, एसोसिएशन ऑफ बॉडी भी इंक्लूड होती है, लेकिन अगर कंपनी है तो ट्रांसफर विल बी डन एज पर कंपनी लॉ। उसके बाद ये बात करता है कि ट्रांसफर जो हो रहा है प्रॉपर्टी का दैट शुड बी एब्सोल्यूट ट्रांसफर। उसके बाद ये बोलता है कि देयर कैन बी प्रेजेंट ट्रांसफर एंड देयर कैन बी फ्यूचर ट्रांसफर एज वेल। और लास्ट में ये बोलता है कि एक पर्सन खुद को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है इन डिफरेंट कैपेसिटी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक माई वीडियोज, कीप व्यूइंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।